दोस्तों कि आप जियो कस्टमर है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए जियो के हैप्पी न्यू ईयर प्लान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव, आप देख रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन चलेगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, आप इसको फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली जियो ने लॉन्च किया हैप्पी न्यू ईयर प्लान, जहाँ पे आपको चार न्यू प्लान के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों सबसे खास बात जो है, आपको डेली 1.2 GB तक डेटा आपको मिल जाएगा, और वो भी 199 के प्राइस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं जियो के प्लान के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं देखता हूँ 199 की प्लान के बारे में। दोस्तों 199 जब आप रिचार्ज करोगे आपको मिलता है 28 दिन का वैलिडिटी, जहाँ पर आपको जो वॉइस कॉलिंग होगा वो अनलिमिटेड होगा, डेली 1.2 GB करके डेटा आपको मिलेगा और वो अनलिमिटेड रहेगा। दोस्तों सेकेंड जो प्लान निकला है वो है 299 का, ठीक है, आपको यहाँ पे भी 28 दिन का वैलिडिटी मिलेगा और जो वॉइस कॉलिंग है वो भी अनलिमिटेड है और डेटा भी अनलिमिटेड है, और जो डेटा यहाँ पे मिलेगा आपको डेली का 2 GB करके मिलता है। तो दोस्तों अगर आप बहुत सारा डेटा पर डे यूज़ करते हो, आपको शायद लगता है कि डेली 2 GB आपका कंज्यूम हो पाएगा, तभी ये रिचार्ज करके आप बेनिफिट इसका उठा सकते हो, क्योंकि 300 रुपये पे दोस्तों 2 GB डेटा डेली बहुत ही बढ़िया ऑफर है आई थिंक, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ कर सकते हो तो ये प्लान को आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आता हूँ 459 के रिचार्ज के ऊपर। दोस्तों 459 पे आपको मिलता है 1 GB डेली डेटा, उसके साथ साथ फ्री वॉइस कॉलिंग फॉर 84 डेज़ के लिए। दोस्तों ये जो प्लान है ये प्लान पुराना ही है, ठीक है, इसमें कोई नया चेंजेस नहीं किया, लेकिन जो नया जो प्लानिंग आया है ये है 499 का। यहाँ पे आपको मिलता है 91 डेज़ के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग एंड अनलिमिटेड 1 GB करके डेली डेटा। दोस्तों अगर आपको लगता है डेली 1 GB डेटा आपके लिए बहुत ही बढ़िया है तो ये रिचार्ज आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है थोड़ा दिन बाद जो रिचार्ज का जो प्लान होता है वो प्लान का जो रेट्स होता है वो रेट हाई हो जाए, इसके पहले आप ये रिचार्ज को करके आप अपना जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन मिलकर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों नीचे मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सा रिचार्ज करने वाले हो अपने जियो नंबर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।